गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में दाग धब्बे, एक्ने या पिंपल्स और झुर्रियों जैसी स्किन समस्याएं सामान्य होती हैं। खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान, प्रदूषण आदि के कारण त्वचा डल दिखाई देती है, जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। युवावस्था में ही स्किन जैसी समस्याओं का सामना करना आम हो गया है। अगर आप भी गर्मी शुरू होते ही स्किन समस्याओं के कारण अपने चेहरे की खोती रंगत से परेशान है, तो आज हम आपको डॉक्टर के बताए हुए कुछ टिप्स बताएंगे, जिसको अपनाकर आप नेचुरल ग्लो और स्किन समस्या से निजात पा सकते यानी हैं। सभी की बीमारियों की रक्षा करने वाला हमारा कवच है ये। बाह्य वातावरण और अंदर के वातावरण के बीच एक बैरियर है। डायरेक्ट हमारे इन्फेक्शन को रोकता है, डायरेक्ट हवा को रोकता है, डायरेक्ट जो है जो इन्फेक्शन केमिकल होते हैं उनको हमारे शरीर में पहुंचने से स्किन रोकती है। आजकल का जो दौर है हमारे बच्चों में, जो युवा पीढ़ी है उसमें जंक फूड्स का चलन बढ़ा है, और जंक फूड का चलन बढ़ने से स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। उनको छोटी उम्र में ही मुहासे ज़्यादा निकलना, दाग धब्बे होना या दूसरे पसीने ज़्यादा होना और सोरिएसिस, एक्जिमा, ये सब जो है इनके कोई से काजेज नहीं है लेकिन फिर भी ये जो है हो रहे हैं। ये कहेंगे कि जब आप धूप में निकलें, तेज धूप हो तो जितना फुल बाह का कपड़ा पहने, फुल स्लीव का कपड़ा पहने, चेहरे को ढक के रखें ताज एकदम, और जब पसीना आए तो उसको एकदम वाइप सब साफ सुथरे कपड़े से पोछें। ऐसा नहीं कि गंदे हाथ से या गंदे कपड़े से उसको पोछें। दूसरा, जब घर पे पहुँचे तो आप जो है ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से सफाई करें, अपने कपड़े धूप में सुखाएं, ये जो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा तिक्त रस चीज़ों का सेवन करें, अगर कहीं नीम के दातुन मिल जाए तो उसको ज़रूर करें। और रात में सोते समय अगर गुलाब जल हो तो चेहरे पे गुलाब जल लगाएं, तो सोएं तो ये जो है चेहरे के जो दाग होते हैं या जिनको मुहासे होते हैं गुलाब जल लगाने से। बिल्कुल, हम जितना नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो नीम है या मुल्तानी मिट्टी, पहले लोग लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी और हल्दी या नीम, उसमें मिला लिया एक चम्मच। मैं अपने पेशेंट्स को बताता था कि जब आपको चेहरे की कोई प्रॉब्लम है या चेहरे में जलन होती है तो मुल्तानी मिट्टी 50 ग्राम, एक चम्मच जो है नीम की पत्ती का चूर्ण और एक चम्मच हल्दी का चूर्ण मिला कर रख लें। उसमें से एक चम्मच निकालें, उसका पेस्ट बनाएं, हल्का लगा के 10 मिनट छोड़ दें चेहरे पे सूखने, उसके बाद घोल करके हो जाए। सुबह और शाम दोनों साइड कर सकते हैं, एक टाइम कर सकते हैं, जब भी आपको मौका सबसे मिले। कितने बार कर सकते हैं, हाँ, रोज कोई भी साइड कर इफेक्ट सकते, नहीं होगा। कोई का साइड इफेक्ट नहीं होगा, सही है।